नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं कुमार संतोष, मेरे यूट्यूब चैनल कुमार संतोष शर्मा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष जो आपका अनुवाद प्रकरण चल रहा है उसके अंतर्गत संप्रदान कारक से संबंधित उदाहरणों की का संस्कृत में रूपांतरण। इसके संदर्भ में ही इस वीडियो में हम आपसे परिचर्चा करेंगे। वैसे हम विगत वीडियो में कारक से संबंधित सारे जो नियम हैं, उपपद विभक्ति प्रयोगों के संदर्भ में जो नियम हैं, सबके बारे में बखूबी आपको भली भांति अध्ययन करा चुके हैं। तो इस वीडियो में जो हम शुरुआत करेंगे, प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे संप्रदान कारक से संबंधित जो सूत्र हैं उनसे संबंधित उदाहरण ही इस वीडियो में हम आपसे हल करवाने वाले हैं। तो मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो आप अपने अधिगम में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। तो करते हैं आज के इस वीडियो का शुभ आरंभ कुछ प्रमुख उदाहरणों के साथ। सबसे पहले संप्रदान के संदर्भ में समझ लीजिए, जिसके लिए कोई वस्तु प्रदान की जाती है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है उसको संप्रदान चय सूत्र से क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कृष्ण को फल देता है, राम कृष्ण को फल देता है, इसका आपको संस्कृत में रूपांतरण करना है। राम कृष्ण को फल देता है, जिसके लिए कोई वस्तु प्रदान की जाती है उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। देने वाला राम है, इसलिए राम है, कर्ता हो गया रामे कृष्णाय फलम यच्छति, फलम ददाति। जिसके लिए कोई वस्तु प्रदान कर रहे हैं उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा। और जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी उसमें कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको क्या रखनी है, भली भांति से स्मरण रखनी है। आगे देख लीजिए आप, गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, रुच्यार्थानां प्रियमाणे चतुर्थी, ये सूत्र इसमें काम करेगा। जिसके लिए भी कोई वस्तु रुचिकर हो, प्रिय हो, उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। श्री कृष्णाय श्री गणेशाय मोदकम प्रोचते, श्री गणेशाय मोदकम प्रोचते। सीता को राम प्रिय है, प्रिय हैं या अच्छे लगते हैं, कुछ भी देख लीजिए, तो सीता यही रामेश विदते, सीता को राम प्रिय लगते हैं, कृष्ण के लिए राधा प्रिय है। इस तरह से संबंधित जो उदाहरण है वो भी आपको क्या होंगे, संप्रदान संज्ञा में ही होंगे। आप देख लीजिए, राम का कल्याण हो, इस एग्जाम्पल को देखें, नमे स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वसत अलम इत्यादि, नमे स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वसत इत्यादि शब्दानाम योगे भी क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राम का कल्याण हो तो इसका क्या बनेगा, रामाय स्वस्ति, रामाय स्वस्ति, राम का क्या हो, कल्याण हो, रामाय स्वस्ति। गुरु के लिए प्रणाम, इस वाक्य का क्या बनेगा, गुरुवे नमः, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि नमे स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसत इत्यादि शब्दनाम योगे क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अग्नि के लिए आहुति,
अग्नि के लिए आहुति, तो अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा। इस तरह से आपको क्या करना है, ये एग्जाम ऊपर करने हैं, अग्नये स्वाहा। ऐसे वसत के योग में भी देख लीजिए, इंद्राय वसत, इंद्र के लिए आहुति, इंद्र के लिए आहुति, इंद्राय वसत। और दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त, अनंत शब्द का प्रयोग अगर पर्याप्त अर्थ में किया जा रहा है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और ना कि तृतीया का। अगर निषेध अर्थ में प्रयोग किया जाता है अलम इस अव्यय का तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है, अन्यथा आपको क्या करना है, अलम शब्द अगर पर्याप्त के अर्थ में प्रयोग करा रहा है तो वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे हरियाणा दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, इस तरह से आपको क्या करना है, अलम शब्द का अर्थ अगर पर्याप्त अर्थ में है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अन्यथा तृतीय विभक्ति अगर निषेध के अर्थ में। तो ये कुछ एग्जाम्पल, अभी कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए आप चतुर्थी विभक्ति से संबंधित ही। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, 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 क्या बनेगी संस्कृत, पिता पुत्राय क्रोध्यति। पिता पुत्राय क्रोध्यति, यानी पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है तो जिससे क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, इन शब्दों के योग में भी क्या करेंगे, हम चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। जैसे सैनिक राजा से विद्रोह करता है, सैनिक राजा से विद्रोह करता है, तो सैनिक है नृपाय द्रुभ्यति, सैनिक राजा से क्या कर रहा है, यहाँ पर विद्रोह कर रहा है, द्रोह कर रहा है, बगावत कर रहा है, इसलिए भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है, स्मरण रखनी है, जीवन में रखनी है। राम कृष्ण से ईर्ष्या करता है, ये भी एग्जांपल देख लीजिए आप, इसके क्या बनेगा संस्कृत, रामे कृष्णाय ईर्ष्यति। राम कृष्ण से ईर्ष्या करता है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। असूया के अर्थ में भी क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। जैसे मोहन सोहन से असूया करता है, मोहन सोहन से असूया करता है, तो मोहन असूयति। इस तरह से असूया का भाव होता है, गुणों में दोष देखने का जो भाव होता है वहाँ वो असूया कहलाती है। तो अगर आप असूया कर रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्रोह कर रहे हैं, क्रोध करते हैं, तो इन शब्दों के योग में भी क्या किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है।
ये बात आपको स्मरण रखनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए संप्रदान कारक से संबंधित जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या। संप्रदान कारक यानी जिसके लिए कोई वस्तु प्रदान की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं, और संप्रदान कारक में सर्वदा चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान इच्छा जो सूत्र है वो यही कहता है, वो आपको करना है। और नमे स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वशिष्ठी संप्रदान योग है, इनके युग में भी क्या होगा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ये भी हमने आपको बता दिया है। रुच्यार्थनाम प्रियमाने जो सूत्र है वो भी ये कहता है, जिसके लिए कोई वस्तु अच्छी लगती हो, प्रिय लगती हो, रुचिकर लगती हो, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का ही हम प्रयोग करते हैं। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया यम प्रतीक भूपे जो सूत्र है वो भी यही कहता है, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे असूया की जाए, उन शब्दों के योग में भी क्या किया जाता है सर्वदा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ आपका संप्रदान कार्य से संबंधित जो सूत्र थे उनकी व्याख्या। मिलते हैं नेक्स्ट डे आगामी कारक से संबंधित जो सूत्र हैं उनकी परिचर्चा को लेकर। तब तक मैं कुमार सिंह शाम से लेता हूँ विदा। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट डे।